Sony Live. We live to entertain. Download the app. पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें. सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन. ये रेडियो, ये लिखिए. ब्रेकिंग न्यूज. नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर वन न्यूज चैनल शाम तक, जो सबसे पहले आपको हर खबर पहुंचाती है. वैसे हमें अभी अभी एक दूसरे चैनल से पता चला है कि यहाँ के नेता ने अपनी पार्टी बनाई है, तो चलिए उनसे कुछ बातचीत करते हैं. हेलो मिस्टर चुन्नीलाल. हेलो. जरा आप हमें अपने पार्टी के बारे में कुछ बताएंगे. पार्टी का एक्चुअली मेरे को बचपन से ही शौक था. मैं इतना पार्टी में जाता रहा ना, मैंने एक बार तो मैंने 3 पैग मार के तो उल्टी कर दी. सर, मैं इस पार्टी की बात नहीं कर रही, मैं पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रही. अच्छा, जनशक्ति किटी पार्टी जिंदाबाद. हमारी पार्टी कोई आम पार्टी नहीं है. हमने बड़े बड़े लोगों को अप्रोच किया. हमने मशहूर डायरेक्टर प्रोड्यूसर सोहेल खान को भी टिकट दी. उल्टा वो हमें भड़क गए, कहते हम क्यों ले तुम्हारी पार्टी की टिकट, तुमने हमारी किसान फिल्म की टिकट ली थी. सो राजनीति में प्रॉब्लम्स चलती रहती है. ओके, तो अब जब आपकी पार्टी राजनीति में आ गई है, तो आपकी पार्टी का कोई नारा है? हमारी पार्टी का नारा है, मैंने खुद लिखा है. इट्स लाइक चाहे बरसे आग, चाहे बरसे गोले, चाहे बरसे आग, चाहे बरसे गोले, नहीं भूल सकते हम अमृतसर के कुलचे और पहाड़गंज के छोले. तालियां. ये कैसा नारा है? मुझे नहीं लगता ऐसे नारे के साथ आप इलेक्शन जीत सकते हैं. देखिए, इलेक्शन जीतने जीते, लेकिन हमारी दुकानों की जो ऐड हो रही है उसका क्या? हमारी एक अमृतसर में कुलचे की दुकान है, पहाड़गंज में छोले, जनशक्ति किटी पार्टी जिंदाबाद. ओके, तो बेसिकली आपका कहने का ये मतलब है कि आप देश चला सकते हैं. जी बिल्कुल, देश चला सकते हैं. जब हम लोग 4 साल से छुप छुप के डांस बार चला सकते हैं, तो देश भी चला सकते हैं हम लोग. आजकल हर पार्टियों के नेता आए दिन नाक कटवाते हैं. जी, तो क्या आप ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में रखेंगे? बिल्कुल नहीं, आपका दिमाग खराब है. हम लोग अपनी पार्टी में बिल्कुल साफ सुथरी छवि वाले लोगों को रखेंगे. हम लोग इतने शरीफ लोग रखेंगे कि जो खुद एक नंबर जाते हुए अपनी आंखें बंद कर लें. जनशक्ति किटी पार्टी जिंदाबाद. क्या बात है. वैसे हमारी जनता ये जानना चाहती है कि आपकी पार्टी जब सत्ता में आएगी तो सबसे पहले क्या करेगी? वाह, व्हाट ए लवली क्वेश्चन. हमारी पार्टी जब सत्ता में आएगी, सबसे पहले हम लोग जबरदस्त पार्टी करेंगे. पूल साइड, अगर पूल अवेलेबल नहीं हो तो बीच साइड पार्टी करेंगे. दारू एंड फूड अनलिमिटेड, और मैं घर नहीं लेके जाने दूंगा. सर, मैं जी, मेरे पूछने का ये मतलब था कि आप जनता के लिए क्या करेंगे? जनता के लिए? जी सर. बिजली इतनी महंगी हो रही है, जनता पैसे भरने में सक्षम नहीं है. हम लोग पंखे तक बंद करवा देंगे. गर्मी की वजह से लोग पंखे चलाते हैं. हम लोग नया कैलेंडर बनाएंगे. हम लोग साल में 4 दिसंबर रख लेंगे. जून का महीना हम दिसंबर में शिफ्ट करेंगे, ताकि दिसंबर के महीने में भी थोड़ी गर्मी रहे और जून के महीने में भी थोड़ी थोड़ी सर्दी रहे. जनशक्ति किटी पार्टी जिंदाबाद. तो आप अपना कैलेंडर बनाएंगे? जी, अपना कैलेंडर बनाएंगे. हफ्ते में 4 संडे रखेंगे. 4 संडे, इसका मतलब आपको मेरे साथ हफ्ते में 4 बार कॉमेडी करनी होगी. संडे साल में एक ही होएगा. जनशक्ति किटी पार्टी जिंदाबाद. वैसे हमारी जनता ये जानना चाहती है कि आप राजनीति में आए कैसे? वेरी गुड क्वेश्चन. देखिए, कुछ चीजें प्लान नहीं होती. Okay. कई बार ऐसे होता है कि ऊपर वाला सब कुछ बनाता है. जैसे मैं एक दिन स्कूटर लेके गोपाल नगर की तरफ जा रहा था, पता नहीं मन में क्या आया, मैं राजनीति की तरफ आ गया. टाइम टाइम की बात है. जैसे आप नहीं मानेंगे, मैं आपको बताता हूँ. अब टाइम टाइम की बात है, ये देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं है, देख रही हैं आप? टाइम टाइम की बात है. अब ये देखिए, कुछ नहीं है. ये वाओ, टाइम टाइम की बात है. टाइम टाइम की बात है सर, टाइम टाइम की बात है. इसलिए कहता हूं, टाइम के साथ कभी पंगा नहीं लेना. टाइम ऐसी भयानक चीज है, कहीं पे भी आपको भटक सकती है. टाइम टाइम की बात है, टाइम टाइम की बात है. ये देखिए, ओनली टाइम. ओके, आगे फाड़ के मत देखो, तुम पकड़ लोगी मुझे. ये देखिए, कितने सारे टाइम है, और बात यहीं पे खत्म नहीं होती. मैडम देखिए, ये आप देख रही हैं, कितनी घड़ियां हैं? 5 घड़ियां. टाइम टाइम की बात है. देखिए, टाइम, टाइम इज अ ग्रेट हीलर. 1, 2, 3. टाइम टाइम की बात है मैडम. देखिए, घड़ियां गायब.
अभी एक और चीज आपको बताता हूं मैं, देखिए टाइम टाइम की बात है। वाओ। सो इसलिए कुछ चीजें प्लान नहीं की जाती, कुछ चीजें बस जस्ट हो जाती हैं। जैसे अभी मेरी हग होगी ना आपके साथ, तो ऐसे कुछ चीजें हो जाती हैं। आपके पार्टी का सिंबल क्या है? सिंबल चुनाव चिन्ह। जी हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह है घोड़ा। ना कभी घोड़ा थकता है, ना कभी हम थकेंगे। हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक तो हम लोग जीत नहीं जाते, चाहे 60 साल लग जाए, क्योंकि इस साल हमें कोई खास उम्मीद नहीं है। एक्चुअली परसों इलेक्शन है, 16 सीटें हैं हमारे पास और 15 टिकटें अभी तक बिकी नहीं है। लेकिन सर सिर्फ 16 टिकटें, आपको नहीं लगता आपकी पार्टी थोड़ी छोटी है? देखिए मैंने खुद ही छोटी पार्टी रखी है। छोटी पार्टी रखेंगे, 9 बजे रखेंगे, 12 बजे तक खत्म, फिर पुलिस आ जाती है। अच्छा सॉरी, हाँ अच्छा ये वाली पार्टी, देखिए छोटी पार्टी चाहे जरूर है लेकिन हमारी पार्टी जीतेगी जरूर, और कहीं से जीते ना जीते लेकिन आगरा से जरूर जीतेगी। वहां हमारे 550 खुद के मेंबर हैं, घर की वोट है, और हमारी एक मेंबर जज भी है। हमारी पार्टी जीतेगी। आप पागल हैं? आपका दिमाग खराब है? मेरे को पागल ही कहना, मैं काट लेता हूं। भाई और बहनों, मैं हूं आपका प्रिय नेता चुन्नी लाल। मुझे वोट करने के लिए टाइप करें KAPIL और भेज दीजिए 57575 पर। अब जाने से पहले एक पिंकू जोक। पिंकू डांस बार में लड़की से, क्या आप डांस करेंगी? लड़की, हाँ। पिंकू, तो ठीक है मैं ये कुर्सी ले लूं। थैंक यू। जी मैं उनकी बेटी हूँ और आपके कुकिंग क्लास में खाना सीखना। ओके तो ऐसे बोलो ना, क्या सीखना चाहती है तुम? टेल मी फ्रैंकली, खुल के बताओ। जी आप खाने में क्या क्या सिखाते हैं? हम दोनों तरह की चीजें सिखाते हैं, वेज नॉन वेज, लेकिन फर्क कुछ खास नहीं है। उसमें सिर्फ इतना है कि इसको काटो फटफट करता है, पनीर को काटो तो फटफट नहीं करता है। इतने कौन से वाला सीखने का है? मुझे तो दोनों तरीके सीखने हैं। दोनों सीखने, देखो दोनों का अलग अलग रेट है। अगर सिंगल सिंगल सीखोगी 3,000, दोनों सीखोगी तो 2,500। एक सेकेंड, एक का ज्यादा दो का कम सिस्टम होता है बाबा, तू नहीं समझेगी। अभी देख, रश्मि देसाई सिंगल 2,00,000, पांडे और निगम मिला के 45,000। सो दैट्स लाइक दैट। समझ आया तेरे को? अभी मैं बिल्कुल तैयार हूँ। हाँ यार बताइए। वैसे ना मेरी शादी होने वाली है। okay. तो मैं ना अपने पति को अपने हाथों से अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाना चाहती हूँ। Wow, that's nice. क्या नाम क्या तेरे पति का? जी टिल्लू। टिल्लू, ये नाम है कि चिड़ है उसकी? टिल्लू क्या नाम है? टिल्लू। अरे ये तो उसका निकनेम है, उसका असली नाम तो पुच्चू है। अच्छा अब नाम हम छोड़ी ना, प्लीज मुझे कुछ सिखाइए ना। मुझे ना स्टार्टिंग से सब कुछ सीखना है। ओके। तो जैसे मुझे सबसे पहले सुबह उठकर उनके लिए एक कप गरम गरम कॉफी बनानी है। देख सबसे पहले सुबह उठ के कॉफी बनाने से पहले तो कुछ पहन लेना। मेरा मतलब ये नाइटी टाइप जैसे मैंने पहनी ना, ये पहनना पड़ता है खाना बनाने से पहले। अच्छा एप्रन। हाँ अप्रैल मई जून जुलाई जो भी, इसको पहन लेना ठीक है। तो बोलिए कॉफी कैसे बनाती है? कॉफी देखिए, कॉफी इज अ वेरी सिंपल प्रोसीजर। जस्ट पुट द बर्तन ऑन द गैस, थोड़ा सा दूध डालने का है, ओके, थोड़ा सा शुगर डाला, थोड़ी सी कॉफी डाली, और ये आपकी कॉफी तैयार। अरे लेकिन आपने तो गैस ही नहीं जलाई। अरे बाबा ये कोल्ड कॉफी है। नहीं नहीं मुझे तो, और जरूरी नहीं मेरे को कोई भी चीज बनानी हो ना तो मेरे को गैस जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। लाइक दिस, ये ना पालक पनीर, तो मेरे को कोई भी चीज बनानी तो मेरे को गैस जलाने की जरूरत नहीं है। तेरे को कौन सी कॉफी सीखनी है? मुझे तो हॉट कॉफी सीखनी है। ए सुनी तेरा, तेरे दिमाग खराब है, तेरी शादी होने वाली, हॉट कॉफी मत पिलाना ज्यादा उसको। क्यों? तेरे को तंग करेगा बाद में वो। और सुन मेरी बात, हॉट कॉफी पिलाने का क्या फायदा है? बाबा हॉट कॉफी मैंने एक्चुअली बड़ी देर हो गई सीखे हुए, सारी रेसिपी भूल गई मेरे को। स्टार्टिंग में भूल गई, लास्ट वाली थोड़ी थोड़ी याद है। ओके तो लास्ट वाली बता दीजिए। हाँ हॉट कॉफी की लास्ट वाली इतना ही है सिर्फ, तो ये रही आपकी कॉफी। जी मैंने कहा था ना मेरे को स्टार्टिंग वाला भूल गया, लास्ट वाला याद है। वैसे अच्छा कॉफी तो आप छोड़ दीजिए। okay. अच्छा ये बताइए कि पुलाव कैसे बनता है? मेरी सास को बड़ा पसंद है पुलाव। ए देख पुलाव से ज्यादा सासों को ना फुलाव पसंद होता है। तो एक काम कर, शादी के 9 महीने के अंदर अंदर उसको पोता देख ले, ज्यादा खुश रहेगी वो, पुलाव का चक्कर छोड़ दो। चुन्नू जी आप तो बड़े नॉटी हो। लेकिन फिलहाल के लिए पुलाव तो बनाना सिखा दीजिए। पुलाव देखे सबसे पहले थोड़े से कंकड़ लो, उसमें से चावल छाटने। ओके एक सेकंड, चावल से कंकड़ निकाला जाता है, कंकड़ से चावल नहीं। आई नो दिस काइंड ऑफ अ न्यू डिश, यू डोंट नो। अभी देख तुम लोग कभी चावल खाते हो तो बीच में कभी कंकड़ आता है, टेस्ट खराब होता है। तो कंकड़ का पुलाव खाओगे तो कंकड़ आएगा, तेरा कोई टेस्ट भी नहीं खराब होगा। बीच बीच में चावल आएगा, वो सॉफ्ट है, इसको खाने का। चावल की जो है इस डिश में थोड़ी गेस्ट अपीयरेंस है, जैसे अनिल कपूर की थी ना उसमें ये अंग्रेज वाली फिल्म में, वैसा टाइप है। तो फिर आप पुलाव छोड़ दीजिए, आप चिकन डिश
कोई रेसिपी आती है चिकन डिश की? चिकन डिश तो भरता कौन बनवाएगा जो सीख के आई थी बैक स्टेज। और नहीं वैसे तो उनको डिब्बा खोल के आमचूर मारूंगा तेरे मुंह पे। ओ भरता बनने के सिखा पहले। भरते का क्या करना है? ऐसे फ्राई पैन रखने का उसपे। इसमें तो पालक है। बकवास बंद कर, कुक में है कि तू? थोड़ा सा टमाटर डाला उसमें, थोड़ा सा टमाटर डाला, थोड़ा सा डाला प्याज, अरे ये तड़का लगाया, ये आपका भरता तैयार। अरे आपने बैंगन तो डाले ही नहीं। अरे बाबा ये वो वाला भरता है जब आपके घर में किसी टाइम बैंगन ना हो तब वाला भरता है ये। हाँ अगर घर में बैंगन हुआ तो? अब कोई फायदा नहीं बाबा, अब तो भरता बन गया। या टेल मी चुन्नू जी, आप प्लीज क्या है? आप मुझे चिकन का कोई डिश सिखाइए ना। चिकन का डिश सिखाइए, तेरा बजट क्या है? बजट? या देख अगर तेरा बजट अच्छा है तो मुर्गा हम लोग दुकान से खरीदेंगे, अगर नहीं बजट अच्छा है तो भाग भाग के पकड़ना पड़ेगा मोहल्ले में से किसी का। लेकिन मैंने तो आज तक एक मुर्गा नहीं पकड़ा। अच्छा इतनी चटकीली साड़ी लाल रंग की लिपस्टिक के मुर्गे पकड़ने के लिए पहनी तो, और किस लिए पहनी तूने? है सब पता है मेरे तेरे जैसी मुर्गियों का। क्या सीखे बता, जल्दी बोलना बाबा मेरे पास। चिकन सीखना है? चिकन देखिए, चिकन के लिए तुम्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा बजट खर्चना पड़ेगा, 400 रुपए लगेगा इसका। 400? क्यों? देखिए 350 का तो होटल से मंगवाएंगे तो 50 रुपए भी ना कमाऊं। आप होटल से मंगवाएंगे? अरे बाबा बनाने का तो मैं भी बना लेता हूँ, लेकिन होटल वाले क्या टेस्टी बनाते हैं तो दैट्स फाइन। ओके तो मुर्गा हुआ 200 रुपए का। ओके बाकी के 200? अरे बाबा 200 का मुर्गा होएगा, 50 रुपए मैं कमाऊंगी, बाकी 150 रुपया। अभी 150 रुपया जिसका जवान बेटा घर से लाएंगे मुआवजा नहीं देंगे फैमिली को? मुआवजा? अरे बाबा मुआवजा घर में है कि मर्द है कमाने वाला, उसको भी तूने बना के खा लिया, उसके भी बच्चे सरवाइव कैसे करेंगे 1.5 महीना तक? और फिर? अरे बाबा 1.5 महीना तक हमारे पैसे से निकालेंगे 1.5 महीना, उसके बाद मुर्गी किसी के साथ सेटिंग कर लेगी, उसमें क्या है तेरे को? क्या है बेचारी मुर्गी, वो ऐसी नहीं होती। तेरे को ज्यादा पता है, बड़ी तेज होती मुर्गियां, कमी नहीं, 3 रुपए के लिए अपना अंडा बेच देती है, तेरे को क्या पता? बड़ी आई तू। अच्छा ओके फाइन, 200 का मुर्गा, 150 मुआवजा, ओके बचे 50, उसका क्या? 1-1 रुपए का हिसाब रख रही, और तेरी वजह से जो लाखों का एक्ट खराब हो रहा है उसका कुछ नहीं, मैं मारूंगा तेरे आमचूर खींच के। बढ़िया आई तू। अच्छा ठीक है, आपको चिकन नहीं सिखाना मत सिखाइए। ओके लेकिन चुन्नू जी मुझे ना वो जलेबी जरूर सिखाइए। वो क्या है ना, आप लोग जब ऐसे ऐसे करके डालते ना क्यूट लगता है। कढ़ाई में नहीं डालते, कढ़ाई में बोलते इसको, कढ़ाई। सॉरी स्लिप ऑफ टंग। स्लिप ऑफ टंग नहीं, तेरे को जब तू स्लीप करेगी ना तो तंग करेगा ना तेरा पुच्चू, तब तेरे को पता चलेगा। अभी क्या तेरी शादी होने वाली ना, इसलिए तेरे को ऐसे ऐसे सपने आ रहे हैं। और कुछ सीखना तो बता। अच्छा कुछ पकाना तो सिखाइए आप फाइनली। इतनी देर से पकाए तो रहे उन लोगों को, अभी ध्यान से पूछते हम लोग अच्छा पका रहे थे कि सही पका रहे थे। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन।